बहादुरगढ़ नगर परिषद के धन के साथ खिलवाड़ करने का एक मामला सामने आया है। एक ऐसे बैंक में नगर परिषद ने खाता खुलवाया है जो रिजर्व बैंक के सेकंड शेड्यूल्ड लिस्ट में है ही नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक IDBI से 2 करोड़ निकालकर इक्विटास बैंक में जमा करवा दिए गए, जबकि इक्विटास बैंक स्मॉल स्केल बैंक है और इसमें नगर परिषद बैंक खाता नहीं खुलवा सकती है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का आरोप है कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए नगर परिषद का पैसा इस्तेमाल किया गया है खाता खुलवाने के लिए। उन्होंने कहा कि इक्विटास बैंक का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने किया था, इसलिए नियमों के विरुद्ध जाकर उस बैंक में खाता खुलवाया गया। वही नफे सिंह राठी का आरोप है कि IDBI बैंक से कई करोड़ रुपए यस बैंक में भी ट्रांसफर किए गए हैं। IDBI बैंक में नगर परिषद खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर तब रुका जब IDBI बैंक ने नगर परिषद चेयरपर्सन के रिश्तेदार और एक कांग्रेसी पार्षद को करोड़ों का लोन दे दिया। नफे सिंह राठी का कहना है कि वो इसकी शिकायत शहरी निकाय मंत्री अनिल विज को भी करेंगे और इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। राठी ने इस गड़बड़ छाले की जांच की मांग की है और दोषियों को सजा देने की भी। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा। क्या मामला है, क्या घोटाला हुआ इसमें? आज हमने इसलिए प्रेस वालों को आमंत्रित किया था कि बहादुरगढ़ म्युनिसिपल नगर परिषद में म्युनिसिपल काउंसिल में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, जिसकी वजह से अगर क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसका बैंक, उसको बैंक का नाम दे दिया स्मॉल स्केल बैंक का, लेकिन ना तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, केवल स्मॉल स्केल के लिए। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों ने एक ऐसा स्कैंडल किया कि 2 करोड़ रुपए नेशनलाइज बैंक से निकाल करके उस बैंक में एक्वाटास प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल स्केल बैंक है उसमें डाल दिए गए, और वो तो 2 करोड़ डाले, अब भी उसमें 4 करोड़ से ज़्यादा है और रोज़ का जो पैसा आता है वो भी उसी में डाला जाए, तो टोटल ट्रांजैक्शन कितनी होगी ये तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूँ। एक और स्कैंडल है कि 28 मार्च को 6 करोड़ रुपए निकाल करके नेशनल बैंक से और दूसरे बैंक में डाल दिए गए 6 करोड़ रुपए, जबकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में सिर्फ 2 ही दिन बीच में बाकी थे। तो इसके पीछे क्या स्कैंडल है, क्या राज है? और मेरे पास सूचना है कि इसमें एक बैंक ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक कांग्रेस के पार्षद का लोन मंजूर किया और नगर परिषद के चेयरपर्सन के परिवार के किसी सदस्य के नाम भी लगभग 1 करोड़ से के आसपास लोन मंजूर किया, तब उस बैंक से इन्होंने वादा किया कि हम आगे से आपके बैंक में से नहीं निकलवाएंगे। कौन सा बैंक? वो IDBI बैंक थी, IDBI बैंक से जो पैसे निकलवाए, लोन भी उसने किया। और दूसरा ये है कि ये म्युनिसिपल एक्ट 1973 की धारा सेक्शन 2 के खिलाफ है, 59 धारा 59 और सेक्शन 2 के खिलाफ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नियम है उसके भी खिलाफ है। हरियाणा सरकार ने ये बैंकों की सूची दी है जिसमें म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने खाते खुलवा सकती है, ये सूची है। वो बैंक इस सूची में भी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वो बैंक बंद हो जाए, भाग जाए या दिवालिया घोषित हो जाए तो फिर 5 लाख रुपए मिलेंगे नगर परिषद को, 4 करोड़ रुपए ख़त्म। तो ये किसके आदेश से हुआ, किस लालच में हुआ, इसकी जांच की जानी चाहिए। ये प्रशासनिक गलती है या ये प्रशासनिक गलती के साथ साथ मैं कहूँगा कि राजनीतिक लोगों ने अपने फायदे के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के फंड का दुरुपयोग किया। इसका सीधा फायदा जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं नगर परिषद में, कांग्रेस का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व MLA जो पहले से आशीर्वाद देता रहा है,
उसका आशीर्वाद बरकरार है। तो वो बताएं किसको फायदा हो रहा है, इसकी शिकायत किसको कर रहे हैं सर? हम इसकी जांच कराने के लिए सरकार को लिखेंगे और सरकार का जो लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, सरकार के हरियाणा सरकार के लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं श्री माननीय अनिल विज जी, उनको भी हम पत्र लिखेंगे कि इसकी जांच कराओ और जो जो इसके पीछे दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सेशन चल रहा है, मैं अभय चौटाला जी से भी निवेदन करूंगा इस बारे में कि भाई साहब भी इसमें असेंबली में रखें, और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा जो इसकी जाँच करें।